किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जसवर्टी कीटनाशक के बारे में, जो आता है श्रीराम कंपनी का। और देखिए, ये जो कीटनाशक है 100% ऑर्गेनिक है, ह्यूमेंस के लिए, हमारे प्लांट के लिए यानी कि क्रॉप के लिए, हमारी भूमि के लिए, उनमें जो मौजूद माइक्रोब्स हैं, अच्छे बैक्टीरिया हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनके लिए ये बिल्कुल सेफ होता है, कोई भी दुष्प्रभाव नहीं डालता है। और इसकी खास बात ये होती है कि ये हमारी फसलों के अंदर कोई भी कीट है, किसी भी तरीके का इंसेक्ट है, आपकी कोई भी फसल आपने लगाई है, आप बेझिझक इसका स्प्रे कर दीजिएगा, हर एक कीट को ये इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है, ये इसकी खास बात होती है। और एक और खास बात मैं आपको इसकी बताऊँ कि ये बहुत सस्ते में पड़ता है, यानी कि एक एकड़ का खर्च मात्र 150 से 170 रुपये के आसपास ही आपको पड़ता है। तो बहुत सस्ते में हर एक कीट को ये कंट्रोल कर देता है। जहाँ पर जो हमारे टेक्निकल होते हैं, यानी कि जो रासायनिक कीटनाशक होते हैं, यदि मैं उनकी बात करूँ तो वो एक विशेष प्रकार के कीट पर विशेष प्रकार के कीटनाशक का ही स्प्रे करना होता है। मान लीजिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी फसलों के अंदर जो कीट है तो वो कौन सा है और उसके पर कौन सा कीटनाशक, रासायनिक कीटनाशक काम करेगा, तो उसी का स्प्रे करेंगे तो वो कंट्रोल होगा, अदरवाइज वो कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो मैं आज की इस वीडियो में आपको जो ऑर्गेनिक कीटनाशक के बारे में बताने वाला हूँ, जसवर्टी के नाम से जो आता है श्रीराम कंपनी का, ये आपकी फसलों के अंदर कोई भी कीट है उस पर बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करता है और कोई भी दुष्परिणाम नहीं होता है। उसके साथ साथ ये बहुत सस्ते में पड़ता है, यानी कि आपका एक्सपेंस भी ज़्यादा नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जसवर्टी के बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे कि इसको यूज कैसे करना है, क्या डोज रखनी है, कौन कौन से कीटों पर काम करता है। तो वैसे तो जैसे मैंने बताया, सभी कीटों पर काम करता है, तो लगभग सभी कीटों पर ही काम करता है। और इसका मतलब कंपेटिबिलिटी क्या है, और एक और जो किसानों की समस्या हमेशा रहती है कि ये मिलेगा कहाँ पर, वो भी हम बात करेंगे, तो कंप्लीट जानकारी लेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, जसवर्टी के नाम से जो श्रीराम कंपनी का ये कीटनाशक आता है, 100% ऑर्गेनिक होता है। इसके अंदर यदि हम टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर होता है वर्टिसिलियम लैकानी, जो एक मित्र फफूंद होती है, यानी कि फंगस होती है। लेकिन ये फंगस क्या करती है, कीटों को कंट्रोल करने का काम करती है। ये अपने आप में एक फंगस है, लेकिन ये कीटों को, इंसेक्ट को कंट्रोल करती है हमारी फसलों के अंदर। इसकी खास बात यह है कि आप किसी भी फसल पर कर सकते हैं इसका स्प्रे। और कीटों की बात करें तो किसी भी कीट के लिए आप इसका स्प्रे दे सकते हैं, चाहे आपके में बोरस की समस्या है, इल्लियों की समस्या है जैसे डीबीएम, डायमंड बैक मॉथ या टोबैको कैटरपिलर या अन्य तरह की जो भी इल्लियां हैं, हर एक इल्ली को कंट्रोल करता है। सकिंग पेस्ट में जैसे थ्रिप्स, एफिड्स, व्हाइट फ्लाई, जेसिड्स और हमारा ग्रीन हॉपर्स या ब्राउन प्लांट हॉपर्स, तो सबको कंट्रोल करता है इफेक्टिव तरीके से। माइट्स को भी कंट्रोल करता है, मिलीबग्स को भी कंट्रोल करता है, तो सभी सकिंग पेस्ट को इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल कर देता है। और भी हम बात करें चबाने वाले कीटों की, तो रेड बीटल को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर देता है और हमारा लीफ फोल्डर को कंट्रोल करता है। लीफ माइनर की समस्या है कीट की, लीफ माइनर को इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है। भूमिगत इंसेक्ट की हम बात करें तो भूमि में मौजूद जो हमारे व्हाइट ग्रब्स होते हैं उनको अच्छे से कंट्रोल करता है। रूट ग्रब्स के लिए आप दे सकते हैं सॉइल में, उसको कंट्रोल कर देगा। तो सभी कीटों को इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो भी कीट इसके कॉन्टैक्ट में आएगा उसको ये खत्म कर देगा। यदि हम बात करें कि ये कीट पे काम कैसे करता है, तो देखिए जैसे ही हम स्प्रे करते हैं तो ये जो फंगस होती है ये क्या करती है, जैसे ही कीट इसके कॉन्टैक्ट में आता है तो ये फंगस कीट के ऊपर अपने आप को डेवलप करती है और कीट से ही अपना न्यूट्रिशन लेती है, जिससे कीट को कमजोर कर देती है। क्योंकि जब कीट के चारों ओर ये अपने आप को डेवलप कर लेती है तो इससे क्या होता है कि कीट कमजोर हो जाता है, वहीं से न्यूट्रिशन लेती है। और ये जो फंगस है कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करती है जो हानिकारक होते हैं जो कीट होते हैं उनके लिए, और जो कीटों के मरने का कारण बन जाता है। तो इस तरीके से कीट को मारते हैं। और देखिए, इसकी एक खास बात होती है कि इसके प्रति जो कीट है वो रेजिस्टेंस पावर डेवलप नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे रासायनिक जो कीटनाशक हैं यदि आप उनका स्प्रे करेंगे तो उनके कुछ समय बाद जो कीट है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर देता है, जिससे वो रासायनिक कीटनाशक फिर काम नहीं करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन आप इसका वर्टिसिलियम लैकानी जो आती है, जिसके अंदर इसके अंदर टेक्निकल होता है, यानी कि जसवर्टी के नाम से जो कीटनाशक आता है, आप इसका बेझिझक स्प्रे करेंगे तो बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे अपनी फसलों के अंदर, बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है। यदि हम इसकी डोज की बात करें तो देखिए, इसकी जो डोज हमें रखनी होती है 1 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से हमें देना होता है, यानी कि हम पर लीटर की बात करें तो 5 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर आप इसका स्प्रे अपनी फसलों के अंदर ले सकते हैं। देखिए, इसके स्प्रे के समय आपको कुछ सावधानी रखनी चाहिए, जैसे कि जब भी आप स्प्रे करें
तो जो कवरेज है वो अच्छा ले, यानी कि अच्छे से प्लांट को पूरी तरीके से कवर करें ऊपर से नीचे तक स्प्रे के दौरान। उसके साथ साथ स्प्रे हमेशा शाम के समय करें, तेज धूप में आप इसका स्प्रे ना करें, क्योंकि ये एक नेचुरल फंगस होती है, तो तेज सनलाइट में हैवी सनलाइट में आने के जैसे ही कॉन्टैक्ट में आएगी तो ये अच्छे से काम नहीं कर पाती है। इसलिए इवनिंग टाइम में करें, और कूल वेदर है तो और भी अच्छे इसके रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं अपनी फसलों के अंदर। तो इस तरीके से काम करता है, कोई भी फसल है आप इसका स्प्रे अपनी फसलों के अंदर ले सकते हैं, जो मैंने डोज बताई उस डोज के साथ। सॉइल में भी आप देना चाहते हैं तो सॉइल में भी इसके 1.5 से 2 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको सॉइल में दे सकते हैं। यदि आपके में रूट ग्रब्स की समस्या है, वाइट ग्रब्स की समस्या है, तो उन सबको ये खत्म कर देता है हमारे भूमि के अंदर इन सभी कीटों को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से। और देखिए, जब हम इसको भूमि में देते हैं तो भूमि में जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं तो उनके लिए सेफ होता है, उन पर कोई भी दुष्परिणाम ये नहीं डालता है, ये इसका बेनिफिट होता है। और हमारा जो सॉइल स्ट्रक्चर है उस पर कोई दुष्परिणाम नहीं डालता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक होता है। उसके विपरीत ये हमारे सॉइल के अंदर जो कार्बन है की मात्रा है उसको इंक्रीज करता है, जो हमारी सॉइल के लिए अच्छा रहता है। तो ये बहुत ही अच्छा है हमारी फसलों में उपयोग करने के लिए, बेझिझक आपको इसका उपयोग करना ही चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसके प्राइस की यदि हम बात करें तो बहुत सस्ते में पड़ता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव ये नहीं पड़ता है। इसका जो प्राइस है 1 किलोग्राम का मात्र 150 से 170 रुपये की रेंज में आपको मिल जाता है, तो बहुत सस्ते में आपको ये मिल जाता है। और देखिए, ये जो हमारे ह्यूमंस के लिए, हमारे प्लांट के लिए, हमारे जो सूक्ष्म माइक्रोब्स हैं उनके लिए या बर्ड्स के लिए, सभी के लिए सेफ होता है, केवल ये जो हानिकारक पेस्ट है उनको ही ख़त्म करता है, तो ये इसकी खास बात होती है। तो ये सबके लिए सेफ है और कीटों को लगभग सभी को ख़त्म कर देता है हमारी फसलों के अंदर, तो बेस्ट है, उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको करना चाहिए। देखिए, इसकी कंपेटिबिलिटी की बात करें तो देखिए, इसको आपको केवल और केवल जो फंजीसाइड है फंजीसाइड के साथ बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है। हाँ, आप चाहें तो इसको किसी कीटनाशक के साथ मिक्स करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसके साथ ये चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इंसेक्टिसाइड के साथ इसको मिलाकर, आप किसी केमिकल इंसेक्टिसाइड के साथ इसको मिलाकर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अच्छा काम ये करेगा। हाँ, बेस्ट फंजीसाइड के साथ आप इसको बिल्कुल भी मिक्स ना करें। और इसका स्प्रे जो करें सुबह या शाम में करें, शाम का टाइम बेस्ट रहेगा, तो शाम के समय ही आप इसका स्प्रे करें, तेज धूप को अवॉइड करें, तो ये आपको सावधानी रखनी चाहिए जब भी आप इसका यूज करते हैं। तो किसान भाइयों, यही थी आज की जानकारी। उम्मीद है जो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक भी हमारी जो बात है, ये हमारी जो जानकारी है उन तक भी पहुँच सके, वो भी इससे कुछ लाभ उठा सके। फिर मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।